नमस्कार दोस्तों, मैं सुमा डेंडवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपन लोग जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे थे, और इससे पीछे वाली क्लास के अंदर अपन लोगों ने वाइटल साइन के अंदर टेम्परेचर के बारे में स्टडी कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को जरूर विजिट करें। आज ही क्लास के अंदर अपन टेम्परेचर से रिगार्डिंग एक टॉपिक लेके आए। अपना आज का जो टॉपिक है वो है फीवर, यानी बुखार। तो जो फीवर होता है वो क्या होता है कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, क्या कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए। तो अपन लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर क्या पढ़ा था कि सर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस अपना बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर इससे इंक्रीज हो जाए, कितना इंक्रीज, या तो बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फॉरेनहाइट या इससे ज्यादा, या 37.2 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को अपन फीवर बोलते हैं, यानी बुखार बोलते हैं, ठीक है। कहने की बात इतनी सी है कि अगर आप लोग बॉडी को तापमान टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस या फिर 99 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा हो जाए, तो अभी कंडीशन ने क्या बोलना, आप अभी कंडीशन ने बोलना फीवर, यानी बुखार बोलना, ठीक है। अब आती है कि जो बुखार होती है, जो फीवर होती है, उसकी कौन कौन सी स्टेज होती है, कौन कौन सी फेज होती है। तो फेज ऑफ फीवर की अगर अपन बात करें, तो फेज की अगर अपन बात करें तो फेज के अंदर से क्या निकल के आता है कि सर जो फेज होती है वो तीन टाइप की होती है। अपन जो फेज के बारे में पढ़ेंगे वो अपन तीन टाइप से पढ़ेंगे। पहली आएगी अपनी ऑनसेट, फिर आएगी फास्टिजियम, फिर आएगी डिक्लाइन। अब वन बाय वन बात कर लेते हैं कि जो ऑनसेट होता है उसके अंदर क्या होता है, फास्टिजियम होता है उसके अंदर क्या होता है, और जो डिक्लाइन फेज होती है उसके अंदर क्या होता है। तो जो ऑनसेट होती है उसको इन्वर्जन फेज भी अपन कहते हैं। अब ऑनसेट के अंदर क्या होता है, फीवर स्टार्ट एंड इंक्रीज, मतलब बुखार होना, बॉडी का तापमान बढ़नो स्टार्ट हो गो और वो बढ़ रही हो है, मतलब वो इंक्रीज हो रही है, ये कंडीशन आप बोला, इस फेज ने बोला ऑनसेट या इन्वर्जन फेज बोलते हैं। कहना मतलब कि अब आप लोग बॉडी को टेम्परेचर नॉर्मल हो, वो नॉर्मल से इंक्रीज हो रही है, तो ये की स्टेज ना आप के बोला, ये की स्टेज ना आप बोला ऑनसेट फीवर, या ऑनसेट स्टेज ऑफ फीवर के नाम से अपन जानते हैं। आई बात समझ में। देन आती है आपकी फास्टिजियम, देन क्या है फास्टिजियम या स्टेडियम। तो जो फास्टिजियम वो क्या होती है, बॉडी टेम्परेचर एज मैक्सिमम लेवल एंड कांस्टेंट लेवल एंड कांस्टेंट, मतलब ऑनसेट में आपने क्या पढ़ा कि सर जो बॉडी का टेम्परेचर था वो आपका इंक्रीज हो रहा है, स्टार्ट हो गया बढ़ना और इंक्रीज हो रहा है। फास्टिजियम में क्या होगा कि वो अपने एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा और वहां जाके रुक जाएगा, ऐसी स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, फास्टिजियम बोलेंगे। थर्ड आती है आपकी डिक्लाइन, थर्ड कौन सी आती है, थर्ड आती है डिक्लाइन। सर डिक्लाइन के अंदर क्या पढ़ेंगे, सर डिक्लाइन के अंदर पढ़ेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर है वो या तो सडनली या स्लोली, या तो अचानक से या धीरे धीरे आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्या बॉडी टेम्परेचर सडनली और स्लोली डिक्रीज, सडनली यानी क्राइसिस हो गया, स्लोली का मतलब लाइसिस हो रहा है, ठीक है। अब इसी टाइप पे अपन जो डिक्लाइन फेज है उसको दो टाइप से डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, सर क्राइसिस और लाइसिस। सर क्राइसिस की बात करें तो सर क्राइसिस के अंदर क्या होता है, सडन डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, कि बॉडी का टेम्परेचर वो अचानक डिक्रीज होता है। मैं एक आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहूं कि अगर ग्राफ के माध्यम से अपन समझें तो ये आपका ग्राफ हो गया एक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बॉडी टेम्परेचर यहां से इंक्रीज हुआ ना, ये इंक्रीज हो रहा है, इस स्टेज को आप क्या बोल रहे हो, आप इस स्टेज को कह रहे हो ऑनसेट फीवर।
और यहां जाके ये फर्स्ट जेम यानी एक अपने कांस्टेंट लेवल पे अपने मैक्सिमम लेवल पे रुक गया, ये आपका फर्स्ट जेम। अब यहां से ये डिक्रीज हो रहा है, एक तो अचानक डिक्रीज हो गया, एक स्लोली 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 डिक्रीज हो रहा है। तो जो अचानक डिक्रीज हो रहा है उसको तो बोलते हैं क्राइसिस, और जो स्लोली डिक्रीज हो रहा है उसको अपन बोलते हैं लाइसिस। ठीक है, अब क्राइसिस के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका ट्रू क्राइसिस, एक होता है आपका फॉल्स क्राइसिस। सर जो ट्रू क्राइसिस होता है उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ उसकी हेल्थ के अंदर उसके स्वास्थ्य के अंदर भी सुधार आ रहा है। तो ऐसे फीवर को, ऐसी डिक्लाइन स्टेज को क्या बोलेंगे, ट्रू क्राइसिस के नाम से अपन जानते हैं। एक आता है फॉल्स क्राइसिस, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज बट नॉट इम्प्रूव हेल्थ, बॉडी टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन हेल्थ के अंदर कोई भी सुधार नहीं आ रहा, फॉल्स क्राइसिस। और लाइसिस का मतलब क्या हो गया, लाइसिस का मतलब हो गया स्लोली बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, कि बॉडी का टेम्परेचर स्लोली नॉर्मल हो रहा है। तो ये आपके फेज है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें, दोबारा से अपन इसका रिवीजन कर लेंगे। देन आता है आपका टाइप ऑफ फीवर, तो पहला टाइप आता है कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट फीवर का मतलब ये है कि आपके 24 घंटे के अंदर, या अपन ये कह सकते हैं सुबह और शाम का टेम्परेचर के अंदर कोई भी फर्क नहीं हो, दोनों सेम हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर फर्क आ रहा है तो वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम का फर्क आए, तो ऐसे फीवर को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट फीवर। देखो मॉर्निंग का टेम्परेचर जो था और जो नाइट का टेम्परेचर था उसके अंदर कोई फर्क नहीं है, अगर फर्क आए तो 2 डिग्री सेल्सियस से कम का फर्क आ रहा है, तो इसी फीवर को अपन बोलते हैं कॉन्स्टेंट फीवर। आई बात में, नेक्स्ट आया रिमिटेड फीवर। तो जो 24 घंटे का टेम्परेचर है, या बोल सकते हैं सुबह और शाम का जो टेम्परेचर है उसके अंदर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का फर्क आए, तो इसी फीवर को बोलते हैं अपन रिमिटेड फीवर। आई बात में, देन आया इंटरमिटेड फीवर, देन क्या आ रहा है, इंटरमिटेड फीवर। तो टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल टू सब नॉर्मल, सब नॉर्मल टू हाई एंड बैक इन रेगुलर इंटरवल। कहने का मतलब है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से सब नॉर्मल जा रहा है, सब नॉर्मल से हाई में जा रहा है, और हाई से एक रेगुलर इंटरवल के साथ नॉर्मल आ रहा है, फिर दोबारा नॉर्मल से हाई पे जा रहा है, फिर एक इंटरवल के बाद नॉर्मल आ रहा है। मतलब जो टेम्परेचर हाई से नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल से हाई आ रहा है, उसके अंदर एक रेगुलर इंटरवेल है, उसको अपन बोलते हैं इंटरमिटेड फीवर। इनवर्स फीवर, तो इनवर्स फीवर का मतलब होता है कि जो मॉर्निंग टेम्परेचर होता है वो तो हाई होता है और जो इवनिंग टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, लो होता है। दिन में बुखार ज्यादा रहेगी, दिन में तापमान बॉडी को ज्यादा रहेगा और रात में कम हो जाओगे। ठीक है, हेक्टिक फीवर क्या बोलते हैं, जो बॉडी का हाई टेम्परेचर है जो लो टेम्परेचर है उनके अंदर जो डिफरेंस मिलेगा उनको वो बहुत ज्यादा मिलेगा, ऐसी फीवर को आप हेक्टिक फीवर बोलोगे। देन आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप आता है वो आता है आपका राइगर फीवर। तो राइगर फीवर क्या होती है, राइगर इज एन एपिसोड ऑफ सेकिंग चिल्स विथ एन हाई फीवर। मतलब पेशेंट को बुखार होगी, बुखार या सर्दी लगेगी और उसको कपकपी छूटेगी। ठीक है, मतलब मारवाड़ी बोला जाडो लाग का बुखार आओगी, तो जो उस टाइप की फीवर होती है उसको अपन राइगर फीवर कहते हैं, मोस्टली मलेरिया के अंदर देखने को मिलती है। इसकी 3 स्टेज होती है, फर्स्ट होती है कोल्ड, सेकेंड होती है हॉट, और थर्ड होती है स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, उसके साथ पेशेंट को शिवरिंग रहेगी, चिल्स फील रहेगा। ठीक है, हॉट स्टेज में क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, बॉडी पूरी गर्म रहेगी, इसमें सर्दी नहीं लगेगी। और स्वेटिंग फेज में पेशेंट को स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट की बात करें तो जो कोल्ड स्टेज है यानी पेशेंट को ठंड लग रही है तो अपन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दे देंगे उसको, गर्म पानी देंगे, तो ये उसका मैनेजमेंट रहेगा कोल्ड स्टेज का। हॉट स्टेज की बात करें तो जो उसको कोल्ड ड्रिंक देंगे, एसी ऑन कर देंगे, फैन ऑन कर देंगे, ये रहेगी आपकी हॉट स्टेज। स्वेटिंग स्टेज की बात करें तो इसके अंदर एक्सेसिव फ्लूड लॉस हो रहा है तो आईवी फ्लूड दे सकते हैं अपन, तो ये सारी चीजें अपना इसके अंदर मैनेजमेंट रहेगा। तो ये आपका फीवर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में आए तो क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।